হরে কৃষ্ণ। গুরুবর্গ এবং বৈষ্ণবগণ কে অনুগত মে হম লোক যাহা আয়ে হুয়ে হ্যায় স্থান কা নাম বেলবন। ব্রজমন্ডল মে বারহ বন প্রধান হ্যায়, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, বৃন্দাবন এক ওর হ্যায়, আর যমুনা কে দূসরি ওর, ভদ্রবন, ভান্ডিরবন, বেলবন, মহাবন, লৌহবন, ये हमारा ये बेलबन है। आप लोग सब जो गुरु जी के संग में जो लोग हैं, आप कहीं भी गौड़ीय मठ में बा किसी भी वैष्णव संप्रदाय में जाइए, इतने सुंदर हरि कथा, इतने सुंदर वक्ता मिलेगा नहीं। वक्ता है इतने सिद्धांत पूर्ण बता नहीं सकते। जो लोग वक्ता है उनके चरण में मेरा नमन है। वो लोग विद्वान है, विवेचक है, विचारक है, इसलिए मैं सबसे उन्नत करता हूँ। सब 10 मिनट से अधिक ना बोले, भूमिका में 8 मिनट बता दिया फिर नहीं और बोले ऐसे नहीं। मेरा सनिर्बंध निवेदन है सबके पास, मोबाइल टाइम देख लीजिए, 10 मिनट में समाप्त करेंगे। ऐसे हमें तीर्थों ने बोला और हम सबका विषय अनुमोदन है, इसलिए अब 10-10 मिनट बोले सब लोग बोलेंगे, बहुत लोग। मैं सबसे पहले श्री रामचंद्र प्रभु से अनुरोध करता हूँ स्थान की महिमा 10 मिनट में वर्णन करें। श्री रामचंद्र प्रभु विष्णुपदाय राधिकाय श्रीआत्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुरे गुणेश युक्तम परम वरेण्यं पुरुष महंतं नारायणं स्वाम शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवतदि गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ, जो हमको इस स्थान से परिचित कराए। साथ में ही समस्त त्रिनंदी सन्यासियों को मैं दंडवत अर्पित करता हूँ, उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। जितने भी यहाँ पर उच्च कोटि के वक्ता हैं सब सिद्धांत बताएंगे, मैं थोड़ी सी कल्प सुनाता हूँ। एक बार नारायण बोले लक्ष्मी जी से, ये कलयुग तो बड़ा अच्छा है, चारों ओर भागवत सप्ताह हो रहा है, एक ईंट उखाड़ो और भागवत सप्ताह देख लो, सारे टीवी भागवत सप्ताह, सारे चैनल भागवत सप्ताह, यहाँ तक कि गौड़िया मठ में भी भागवत सप्ताह। वाह भाई कमाल कर दिया, इसका मतलब है सब मेरे भक्त हो गए हैं। लक्ष्मी जी बोलती है ब्रह्म में हो तुम, कोई तुम्हारे भक्त नहीं हुए। कैसे? बोलते आप ट्राई करके देख लो। नारायण जी वक्ता बनकर चले गए भागवत सप्ताह का, और एक सेठ जी के, बड़े सेठ जी, करोड़ोंपति सेठ जी, और वहां उन्होंने भागवत सप्ताह करना शुरू कर दिया। हजारों में नहीं लाखों में लोग आने लग गए। लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का वेश बनाकर प्रसाद की लाइन में बैठ गई। जब उनको डालने लगे पत्थर बोती में, अपनी प्लेट में खाऊंगी, उसने सोने की प्लेट निकाली, उसमें खाना डाला गया, उसने खाना खाया और प्लेट फेंक दी। बोलती है मैं एक बार में एक ही प्लेट में खाती हूँ और उसके बाद यूज एंड थ्रो। ऐसे ही पानी मांगा, पानी के लिए ग्लास निकाला, वो भी सोने का ग्लास निकाला, पानी पिया और फेंक दिया। जब उन्होंने चेक किया तो ये सच्चा सोना, खरे सोने की प्लेट और खरे सोने का ग्लास। अब उन्होंने कहा ये वाली अच्छी गुड़िया है, उसको तो अपने घर ले आए। अब वो जो खाए और सोने की प्लेट में खाए, अब जितना भीड़ भागवत सप्ताह में नहीं लग रही थी उतनी अब उस गुड़िया में लगने लग गई। अब गुड़िया कहती है कि मुझको तो रहने के लिए एक कमरा दे सकते हो तो दे दो। तो सेठ जी बोला सारा घर आपका है, कहीं भी रह लो।
तो जहाँ पे नारायण जी रह रहे थे वो भगवत वक्ता रह रहे थे, बोलती है मुझे ये वाला कमरा चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ा वक्ता जी को कि हम आपको दूसरा अच्छा कमरा दे देंगे, यहाँ पे ये रहना चाहती है। और जी अब लक्ष्मी जी अंदर जा रही हैं और नारायण जी बाहर जा रही हैं। ये है कलियुग और लोगों का प्रभाव। वही वाली लक्ष्मी जी जिसके लिए सारी दुनिया ऐसे मरती है और नारायण की पतिव्रता, और वो यहाँ आकर तपस्या कर रही हैं कि मुझको मुझको रास लीला में प्रवेश मिले। इसलिए रास लीला में प्रवेश मिले। तो गुरु जी सुनाते थे, खुद कृष्ण आए, बोलते तुम क्यों तपस्या कर रही हो यहाँ पे, वहां पे बैठो आराम से नारायण जी के पास। बोलते हैं आप मेरे नारायण हो, कोई उससे भिन्न नहीं हो, मैं रास में आना चाहती हूँ। बोलते रास में आने के लिए तुमको तो कुछ करना पड़ेगा, और ये वार्तालाप हुआ कहाँ पे पहले, हम लोगों को पता कहाँ चला, चैतन्य महाप्रभु जी से। कहाँ पे, श्रीरंगम में, जब वो त्रिमल भट्ट जी के यहाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहाँ रहा करते थे। उस समय महाप्रभु जी ने उन लोगों को कहा तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हो, देखते नहीं हो लक्ष्मी नारायण वाली लक्ष्मी रास में भाग लेना चाहती है। वो बोलते हैं ये कहाँ लिखा है, बोलते भागवत में लिखा है, भागवत तो मैंने सैकड़ों बार पढ़ ली, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। तब महाप्रभु जी ने कहा ये देखो, नाग की पत्नियां बोलती हैं प्रार्थना करते समय कि देखिए आपकी रासलीला में भाग लेने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकती, और मेरे पति के सिर के ऊपर आपने चरण रख दिए, ऐसा इसने क्या किया था जो आपने चरण रख दिए। तो कृष्ण मुस्कुरा के बोले ये इसलिए चरण रख दिए क्योंकि ये तुम्हारा पति है और तुम मेरी भक्त हो। और ऐसा कह के महाप्रभु जी ने उन्हें लक्ष्मी नारायण का भक्त बनाया। अब ये प्रश्न उठा कि अगर नारायण भी वही है, कृष्ण भी वही है, तो लक्ष्मी जी को यहाँ आने का योग क्यों नहीं मिल रहा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द रीजन। उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा तुम्हें तो गोपी बनना पड़ेगा तभी ब्रज में प्रवेश मिल सकता है। गोपी एक भाव है, लक्ष्मी जी एक भाव है, लक्ष्मी जी ऐश्वर्य वाला भाव है और उनके नारायण पति होते हैं, और गोपी वाला भाव क्या है। कृष्ण ने कहा यहाँ आकर पैदा होना पड़ेगा गोप के घर में, गोप के घर में नहीं पैदा होगे तो गोपी नहीं बन सकते। अब हम लोग सोच तो रहे हैं गोपी गोपी गोपी, लेकिन कोई बन सका जब तक हम फिर से इस ब्रज में आकर किसी कंडे वाले के यहाँ, कंडा समझते ना जो गाय के गोबर से कंडा निकालते हैं, उनके यहाँ पैदा नहीं होंगे तब तक हम ना गोप बन सकते हैं ना गोपी बन सकते हैं। लक्ष्मी बोली ठीक है मैं गोपी बन जाऊंगी। बोलते हैं फिर कंडे थापने पड़ेंगे, बोलती है वो सुगंध में रहने वाली कंडे थापे, बोलती ठीक है मैं ये भी मान लेती हूँ। फिर बोलते तुम्हारी शादी किसी और से होगी और फिर तुम्हें चोरी चोरी मुझसे मिलने आना पड़ेगा। बोलते ये नहीं कर सकते कि मेरी शादी किसी और से हो जाए। ये है गोपी भाव। क्या गोपी भाव, जो कृष्ण को प्रेम देने के लिए इस हद तक राजी हो जाए कि दूसरी जगह शादी होती है होए लेकिन कृष्ण ना छूटे मेरे से, इस भाव को कहते हैं गोपी भाव। ये वाला भाव लक्ष्मी जी भी नहीं ग्रहण कर सकती, यद्यपि वो नारायण की पत्नी है और नारायण और कृष्ण एक हैं, और यहीं पे वो तपस्या कर रही हैं, और हम उस तपस्या में उनको खलल नहीं डालते। आपको मिलेगा तो मिलेगा, हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं आपको जब मिले सो मिले, हमें मिलवा दीजिए। आपको तो जब मिले सो मिले, हमें मिलवा दीजिए। आप तो लक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी हैं, नारायण की लक्ष्मी हैं, एक बार एक ही थाली में खाती हैं, वो भी सोने की, फिर उसे आप थ्रो एंड पैक कर देती हैं। हमको भी आप ऐसा लक्ष्मी दे दीजिए, लेकिन इस तरह का दीजिए कि उसका पाई पाई इस ब्रज की सेवा में ही लगे और इधर उधर अपनी सेवा में ना लगे। हमें इस तरह की आप हम पे कृपा कीजिए। गौर प्रेमानंद जरौलुद्दीन जरौलुद्दीन सुनने वाले। एखन
আমরা ঋষিকেশ মহাজি অনুরোধ করি, উনি বাংলায় বলবেন, ঋষিকেশ মহারাজ তাড়াতাড়ি আসুন, লজ্জা করবেন না। আপনি চায়না, ঋষিকেশ মহারাজ চায়না ভাষায় বলবে বলছে, আর ইংরেজি বলতে পারেন চায়না, যা খুশি আপনার। জ্ঞানঞ্জন সদাশুরুর্মিলিত তস্ময়ে শ্রীগুরবে বঞ্চা কল্পতরুভ্য কৃপা সিন্ধু এজ পতিতানাম পাবনে বৈষ্ণবে নম নম। আমার 10 মিনিটের ভেতরে আমি বন্দনা আরাধ্যতম বৈষ্ণব কুল চূড়ামণি নিত্য লীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত গুরুদেব বামন গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে অসংখ্য কোটি দণ্ডবত তৎপশ্চাৎ ভক্তি বেদান্ত পরিব্রাজক আচার্য নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে অসংখ্য কোটি দণ্ডবত তৎপশ্চাৎ ভক্তি বেদান্ত তীর্থ মহারাজ মাধব মহারাজ আর সব ত্রিদণ্ডী পাদগণ ভক্তগণ এবং মাতা ও ভগিনীগণের চরণে যথাযোগ্য দণ্ডবত প্রণাম। 1 মিনিট আমি কমিয়ে দিলাম আমার বন্দনায়। এই যে বৃন্দাবন শ্রীধাম বৃন্দাবন সর্বধামের শ্রেষ্ঠ এই বৃন্দাবন, কেন এই বৃন্দাবন সর্বশ্রেষ্ঠ, এই ধামের কি মহাত্মা আছে উদাহরণে বলছে। একটা রমণীর, সুন্দরী রমণীর গলায় একটা সোনার হারের সঙ্গে হীরের লকেট দিলে আরো সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়, তেমনি এই বৃন্দাবন ধামে যমুনা লকেট হয়ে আছে আর কৃষ্ণের পদচিহ্ন ধ্রজ ব্রজ কুশ চিহ্ন চিহ্নিত চরণ চিহ্ন এই ব্রজধামে সেই ভগবানের লীলা ভূমি সর্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন। আর এই বৃন্দাবনে মধুর লীলা, এখানে বাৎসল্য সক্ষ আর মধুর, এরপরে অন্য লীলা এখানে নাই, সেই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা দেখে ওই লক্ষ্মী দেবী নারায়ণের অঙ্ক বিলাসী, যার ঘরে লক্ষ্মী দেবী থাকে ধন ধান্য প্রাচুর্য বেড়ে যায়, সেই লক্ষ্মী দেবী মনে হলো বৃন্দাবনের যে লীলা এই লীলা আস্বাদন করতে হবে। কেন মনে হলো বলছে, এখানে গোপীরা কৃষ্ণকে নিয়ে যে মধুর লীলা আস্বাদন করছে, ওই মধুর লীলা আস্বাদন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেল। উদাহরণে বলছে, কারোর বাড়িতে সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে ঘর সাজিয়েছে, কেউ আত্মীয় স্বজন এলে মনে মনে করে এই রকম আমরা কিনে নিয়ে ঘর সাজাবো, তাই লক্ষ্মী দেবীর মনে হলো যে এই মাধুর্য লীলা আস্বাদন করব, তাই বৃন্দাবনে এলেন। এসে মনে মনে ভাবলেন কৃষ্ণকে ডাকলে পাবো, কিন্তু কৃষ্ণকে ডাকলে কেউ পাবে না, কেন দাসখত লিখেছে রাধারানীর কাছে, রাধারানীর নকল। যদি রাজা আদেশ করে চাকরকে যাও ওখানে যা তবে যাবে, তবে রাধারানী যদি বলে যাও ওখানে যা তবে যাবে, নইলে যাবার ক্ষমতা নাই। সেই জন্যে রাধে রাধে বৃন্দাবনে সবাই এসে বলে রাধে 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 রাধে, তার মানে রাধার নাম নিলে কৃষ্ণকে পাবে। সেই জন্যে রাধারানী এসে কোথায় বসলেন, এই বৃন্দাবনের উপকূলে, শ্রী মানে শ্রীফল বেলফল শ্রী, আর রাধারানী শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, এইখানে তপস্যা করলেন দীর্ঘদিন তপস্যা করে, ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে এসে বললেন যে রাধারানী বললেন, লক্ষ্মী দেবী বললেন যে প্রভু বলল আমি তোমাকে পেতে চাই, বলল না না সম্ভব নয়, তা হলে কি হলো, রামচন্দ্র প্রভু বলল তোমার ঘুটে চাপড়া করতে হবে, কোমরের যে ঘুটে মালিরা সবাই জানে এগুলো চাপড়া দিতে হবে, মানে চাপড়া করে করে দেয়ালের গায়ে দিতে হবে, কিন্তু মহাপ্রভু কি বললেন, মহাপ্রভু বললেন
যখন অভিমান থাকবে, ঐশ্বর্যের অভিমান, যেখানে অর্থের অভিমান, যেখানে সৌন্দর্যের অভিমান, যেখানে বিদ্যার অভিমান, সেখানে কৃষ্ণকে পাবে না, সেখানে মাধুর্য রস আস্বাদন করতে পারবে না। সেই জন্যে ওই অহংকার, অভিমান, ধন, ঐশ্বর্য লক্ষ্মী দেবীর এটা চিরাচরিতে যাবে না। তাই তপস্যা করলে কি হবে? কৃষ্ণ বললেন যে ওই গোপীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে গোপীর আনুগত্যে আমরা সরাসরি ওই রাধারানীর সখীর আনুগত্য করব। রাধারানীর আনুগত্যে তাই করা যাবে না, একটা লাইন আছে, সেই লাইন বাই লাইন যেতে হবে। সেই জন্য বললো তখন লক্ষ্মী দেবী তার ঐশ্বর্য, তার অভিমান আছে যে আমি সেই বৃন্দাবন ধামে সেই নারায়ণের অঙ্ক সায়নী, আমি এই গোপীগণের আনুগত্যে থাকবে সম্ভব নয়, তাহলে পাওয়া যাবে না। সেই জন্য আমরা এসেছি, কেউ জমিদারের ছেলে, কেউ রাজার ছেলে। যদি বলে তুমি কি রাজার ছেলে? না, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস এরাও রাজার ছেলে ছিল, এইখানে এসে তাদের অভিমান সব ছেড়ে দিয়েছে, আর অভিমান ছেড়ে দিয়ে গুরুর আনুগত্যে। তেমনি এই অভিমান থাকলে কৃষ্ণচন্দ্রকে পাবে না। সেই জন্য রাধারানী পায়নি, মহাপ্রভু বলল অভিমান লক্ষ্মী দেবী, তাই লক্ষ্মী দেবী পায়নি। আমার মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে, আসলে বয়সের সঙ্গে ব্রেনটা ইদিক উদিক হয়ে যাচ্ছে না, আর সকলে একটু হাসি হাসি মুখ চাপা চাপা হাসছে, বক্র দৃষ্টি দিচ্ছে যে কোথায় দেখি। কিন্তু আবার কি হলো, আবার আমার একটা নিজের কথা আছে যে যেমন ধরো একজনকে এক মাস খেতে দেবো না, তাকে দুদিন খেতে দেবো, তা সে বাঁচবে? এসব ধরেছে সেই কিরকম জানো তো, সেই সুবল দাদার মতো, একজনের খোরাক দেবে আর সব 100 ভাইকে ওই খোরাক খেতে হবে। সেই জন্য রেগে গিয়ে বললো যা তোরা সব খেয়ে নে, কিন্তু ওই কাকে শুকুনিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আর শুকুনিকে বাঁচিয়ে সে পাশা খেলবে, আর ওই দুর্যোধন। তবে এটা বললে সাধুগণের খারাপ হবে, কেন আমি বলবো তাহলে মনে করছে আমরা শুকুনি, তোমার মেরে দেবো, আর তুমি আমাদের দুর্যোধন ভাবছো না? বৈষ্ণবের কৃপা এই রকম ভাবে হয়, সঙ্গে থাকতে থাকতে পুনরময় এক ধুলিকণা শরীরের মধ্যে লেগে গেল, ওই অপ্রাকৃত ধুলিকণা, তাই এক মাস অনাহারের মধ্যে দিলে আমার এই জড়বিদ্যা মাথায় ঢুকে যায়, তাই রাধা বলতে যায়, তাই লক্ষ্মী হয়ে যায়, লক্ষ্মী বলতে গেলে রাধা হয়ে যায়। বাঞ্ছা কল্পতর ভস্ম কৃপা সিন্ধু পাবনে হরে কৃষ্ণ। যে মহারাজকে বলতে না দিলে বলে আমাকে বলতে দিল না, বলে হলে বললেও জ্বালো না বললেও জ্বালো, আর যদি না বলি এখন আবার গিয়ে বলবে? আমার আমার নিয়ম জানেন, স্পষ্ট কথা বলবো মাসি, তোমার বাড়ি আসি বা না আসি আমাদের বলতেই হবে। এখন আমি নাও আই এম রিকোয়েস্টিং মহাবীর মহারাজ গ্লোরিফাই দিস প্লেস ইন 10 মিনিট। গুরুভি গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ। সো আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ উই হ্যাভ কাম টু দিস ভেরি বিউটিফুল প্লেস বেলভান, হোয়ার শ্রী লক্ষ্মী দেবী ইজ পারফর্মিং অস্টারিটিজ আপ টু নাও, ইন অর্ডার টু participate in Krishna's Ras Lila. And but one thing we have to understand, Vrindavan, this is the land of Parakya Ras. Here everything is inspiring Parakya Ras. Even the animals, the creepers, the rivers, all those in Sakya Ras, in Vatsalya Ras, they are always somehow arranging for Krishna's Parakya pastimes. Even if they don't know that, they will be always somehow favoring Krishna's meetings with the gopis.
So, Parakhya means, from one point of view, this is the paramour love. Means the feelings of belonging to someone else. In a way of that all the gopis, although they have married to gopas, still they think that they belong to Krishna. But Srila Bhakti Rakshasidhar Goswami Maharaj, he explained that Parakhya means also that the feeling of depending on Krishna. It means that everyone in Vrindavan, every living entity, they think they depend on Krishna. So therefore, in this way, this is the land of Parakhya. Lakshmi Devi, she heard from Narada Muni the glories of Krishna's Ras Leela, and she became inspired. And that is also one question that I put for Maharaj to answer. According to everyone's sthayi bhav, you have that much desire to perform a service. So since Lakshmi Devi, her sthayi bhav is in Vaikuntha, how is possible that she manifests desires for serving Krishna in Braj? So that I request Pad Madhava Maharaj later to clarify also. But in any case, after hearing the glories of Srimati Radhika and all the gopis playing Ras with Krishna, Lakshmi Devi, she also desired that. And then she came here to this Belvan, which is the border to Vrindavan across Jamuna, to perform austerities in order to get the favor of Krishna. After so much austerities, finally, she, Jogmaya Devi, told her, look, there is no other way for you to come to Krishna's Ras Leela if you are not able to give up first your husband Narayan. Because all the gopis, they are actually married to some gopas and they have given up them to join Krishna's Rasa Leela. Also, you have to take birth from the womb of a gopi, and you have to be able to learn all the different skills of the themselves of Braj. You give mercy very soon, Maharaj. Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami. So, in this way, you have to be able to perform all the duties of the gopis. You have to take care of cows, you have to milk them, you have to arrange cow dung patties, you have to cook. So are you able to do that or not? And she said, no, how can I do it? I am a Brahmani. How can I give up my dharma? How can I give up my pati? I am ek patni. Ek pati means I only having one husband. So in this way, it's not possible for me. But somehow I want Krishna's favor in Ras Leela. But then it's not possible. Only following the footsteps of the Brajagopis, then only then we can perform pastimes here in Madhura Ras, as we have heard in Chirghat, how the gopis, they were performing this Katyani Vrat. They had to go on the guidance of Nitya Siddha gopis before meeting with Krishna. Gopiya anugatya vina aisharja gane bhajaleo na pai brajendra nandane. Without going under guidance of gopis, no matter how much austerities you can do, how much aishwarya you have, but you cannot receive the favor of Krishna. This gopi bhav is very rare. Shei gopi bhav amrita jhara log hoy veda log dharma tyaji shei Krishna bajai. Those who are aspiring and having greed for this gopi bhav, they must be able to give up all the relatives, give up all dharma, give up all the injunctions of the shastras, and just completely surrender here in Braj. This is what Krishna told in Bhagavad Gita, sarva dharmam parityaja mame kam sharanam braja. And so far the gopis, they are the only one who can be completely sharanagata at Krishna's lotus feet. Therefore, gopis are the highest ones. In this way, every day we are singing this in the morning. Jaya, jaya, jala rasa, sarva rasa, sar,
parakiya bhave jaha brajate prachar. The real essence of teachings is that parakhya ras, and this very mood of the gopis, this unatto jala ras, this is seen only in the braja gopis and the highest degree in Srimati Radhika. So that is not something easy to be achieved, especially when we try to skip the steps of our sadhana and we try to fake this or pretend or dissimulate this gopi bhav. What will happen? Only go down to down. Like Srila Gurudev used to say that in Radha Kunda, 99% of the people there are loose character. Why? Because they are pretending to do bhajan, but actually they cannot do. Why? Because they are full of anarthas. They cannot even perform their toilet duties properly, and they are thinking they can meditate in gopis pastimes, in gopi bhav, this and that. No. It is very difficult to achieve even for Lakshmi Devi, what to speak for Bada Jivas. So in this way, taking the feet dust of the Vaishnavas here in this place, following Anugatya of Srimati Radhika and her Nijajan, we can one day maybe be able to assist and serve this very Ras Leela of Radha and Krishna. Gaur Premanande Hari Hari Bo. हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जहाँ उपस्थित हुए हैं, ये है बेलवन। ये 12 वनों में एक प्रमुख वन है। तो यहाँ पर इस बेलवन में श्री लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है। लक्ष्मी देवी कौन है? बोले नारायण, वैकुंठ में नारायण की पत्नी, जो ऐश्वर्य और साम्राज्य की सौंदर्य की देवी है, वो लक्ष्मी यहाँ पर ब्रज में कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। तो यहाँ सभी जगह लक्ष्मी को देखा होगा, वो ऐसी ऐश्वर्य के उड़ालने वाले है ना, सौंदर्य की और ऐश्वर्य की देवी है, दुनिया के लोग सभी उनको पूजा करते हैं, इसलिए वो सब समय ऐसी आशीर्वाद मुद्रा में है। और यहाँ देखा सब लोग ऐसी बैठी है, दोनों हाथ जोड़ के, कहीं नहीं देखेगा आपको, दोनों हाथ जोड़ के बैठी है। जो लक्ष्मी देवी दुनिया को देती है वो यहाँ खुद मांग रही है। क्या मांग रही है? कि हमको ब्रज में कृष्ण के रासलीला में प्रवेश चाहिए। तो लक्ष्मी देवी कौन है? तो ब्रह्मवर्तन पुराण में कहा है, राधा वाम अंश भागात महालक्ष्मी प्रजायते। रासलीला में जब सब प्रकट हो रहे थे तो राधा जी के बाएं अंग से श्री महालक्ष्मी प्रकट हो गए। और वो महालक्ष्मी किसको गई? नारायण की पत्नी नारायण को उन्होंने दे दी, तो उसको ग्रह लक्ष्मी कहा। क्या? नारायण की पत्नी ही असली ग्रह लक्ष्मी है, इसलिए सब लोग कहते हैं कि नहीं भाई, नारायण लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी ग्रह लक्ष्मी। तो उसी का अंश, उस महालक्ष्मी का अंश है श्वेतद्वीप निवासिनी समुद्र कन्या। एक लक्ष्मी कहाँ से प्रकट हुई थी? समुद्र की, समुद्र मंथन, हाँ, समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी आई थी, इसलिए समुद्र की कन्या के रूप में जो हमारे नवदीप पुरी में ससुर बड़े है ना, जगन्नाथ जी के ससुर बड़े, वो लक्ष्मी के पिता है समुद्र, इसलिए समुद्र कन्या वो उस महालक्ष्मी की एक अंश है। उसका एक अंश कहाँ पर है? बोले स्वर्ग लक्ष्मी, स्वर्ग में लक्ष्मी है। इंद्र के बाद में साम्राज्य है, वो भी एक लक्ष्मी है। उसके बाद में इस जगत में आती है, राजा महाराजाओं के पास में लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी, वो भी एक लक्ष्मी है। वो तामस होने पर भी राज्य लक्ष्मी है। फिर उसके बाद में घर घर में, सभी के घर घर में एक एक लक्ष्मी है ना, ये सब देवी है, सब लक्ष्मी है। इनको कहा मर्त लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी नहीं, मर्त लक्ष्मी, ये सब मरने वाली लक्ष्मी है। तो ये हमारी लक्ष्मी, वो नारायण की पट्ट रानी, ये लक्ष्मी यहाँ पर आकर के यहाँ तपस्या कर रही है। क्यों? नारायण तो वैकुंठ में रहने वाले है, और वो नारायण की पत्नी है, उसको क्या कमी है? कोई कमी है? इस जगत में आके सब तो धन धान्य और यही चाहते हैं, तो वो उस ब्रज में कृष्ण के यहाँ पर प्रवेश करना चाहती है रासलीला में। तो क्या कृष्ण आए, तपस्या करे, तपस्या, कृष्ण प्रसन्न बोले चलो आ जाओ। क्या करना पड़ेगा? बोले देखो तुमको ब्रज में एक गोप से शादी करना पड़ेगी। बोले ना ना, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ कृष्ण, बोले गोप से क्यों करूँ, तुमसे शादी कर लो। बोले तुम मुझसे शादी करो, तुम कृष्ण से शादी करूंगी, ये तो तुमसे गोप से शादी नहीं करूंगी। फिर बोले वहां पर दूध धोना पड़ेगा,
कई जगह दूध निकालना पड़ेगा, फिर कंडा थपना पड़ेगा। बोले ये भी नहीं हो सकता है, मैं इतनी सुंदरी है, मुझे पद्मगंधा उसका क्या, पद्मगंधा उसके शरीर से सुगंध निकलती है, वो मैं क्यों करूंगी, मैं तो नहीं करूंगी, तो इसलिए मैं ब्राह्मणी हूँ। तो ये अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, धन का अभिमान, वो तो छोड़िए, यहाँ करके विशेष करके ये जो ब्रज में परकीय भाव से जो है, वृषभानु पूरे जन्म हैवे जावटे व्यह हवे ब्रज गोपी भाव हैवे स्वभाव आन भावना रही, ये जो भाव है ये ब्रज में आपको प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए इतनी नारायण की पट्टरानी होकर के भी यहाँ पर वो तपस्या करनी पड़े, अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुआ ऐसा कहा गया, क्योंकि नागपत्नी उस समय कहा, जिस समय कालिया का कृष्ण दमन किया, कालिया दमन, उस समय उनकी नागपत्नियां कह रही की विहाय कामान सर्वान अचरत। तो ये अभी तक लक्ष्मी देवी यहाँ पर परिवार में तपस्या कर रहे हैं, और ये दुष्ट हमारे पतियों ने ऐसी कौन सी अच्छा कर्म किया जिनको ये दुष्ट कालिया को आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं कि वो कालिया नाग की पत्नी जो थी वो भक्त थी, इसलिए भगवान ने उस कालिया नाग के ऊपर कृपा की। और लक्ष्मी देवी अभी तक ये धन की देवी है, और लक्ष्मी का वाहन क्या है पता है, लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। जो नारायण को छोड़कर खाई लक्ष्मी की पूजा करते हैं उल्लू का पट्टा कहते हैं, उल्लू का पट्टा हिंदी वाले सब जानते हैं, उल्लू का पट्टा किसको कहते हैं, निकाली है ना उल्लू का पट्टा, मैंने वो अगर उसको धन भी है किंतु उल्लू का पट्टा, लक्ष्मी उसको अंधा बना देती है, उल्लू क्या होता है अंधा होता है। और जो लक्ष्मी का भजन करता है जिसके बाद भगवान को छोड़ करके आगे जिसको धन प्राप्त है तो क्या होता है, धनांध धन के मत के अंधा होकर के उल्लू का पट्टा बन जाता है। इसलिए जो नारायण को छोड़ करके खाली लक्ष्मी का भजन करेगा तो वो क्या है, उल्लू का पट्टा, उल्लू का दास नहीं, उल्लू का पट्टा मैंने चेला होता है, पट्टा मैंने चेला बोले मेरा चेला है, ना ना पट्टा मैंने दास चेला होता है, पहलवान में तो ये मेरा पट्टा है चेला आजा, तो उल्लू का पट्टा मतलब होता है दास चेला होता है, तो उल्लू का पट्टा मतलब वो अंधा है, वो धन के प्रभाव में कि हमारे ऐसा धनवान कोई नहीं, हमारे ऐसा ऐश्वर्यवान कोई नहीं, हमारे ऐसा सौंदर्यवान कोई नहीं है, उसको कहते हैं ज्ञानांद धनांद, धन के आवेश में और धन के प्रभाव से जो अंध होता है लक्ष्मी उसको ऐसा बना देती है। मतलब धन क्या है, भगवान की सेवा में धन लगा नहीं लगा गया, वो लक्ष्मी नारायण की पतिव्रता है, अगर उसको छोड़ नारायण को छोड़ के लक्ष्मी की सेवा करेगा तो लक्ष्मी उसको उल्लू का पट्टा बना देगी जा। इसीलिए ये अगर भगवान का भजन करना है, राधा कृष्ण का भजन करना ठीक है, लक्ष्मी ने देखो उनके जो आस उसकी जो इच्छा है वो तो ठीक है, वो हमको लक्ष्मी के पास पहले कुछ लोग होते हैं अरे लक्ष्मी के पास क्या किसके लिए जाना चाहिए, क्यों जाएंगे, हमको तो लक्ष्मी को चाहिए नहीं है, न धनम न जन्म न सुंदरी न कविताम व जगदीश कामये जन्मनि जन्मनि भक्ति रहेतु की, तो हमको तो भगवान कृष्ण के हेतु की भक्ति चाहिए, हमको धन तो चाहिए नहीं, न धनम न जन्म, फिर हम लक्ष्मी के पास क्यों जाएं, नहीं इसलिए कि लक्ष्मी की जो आशा है, लक्ष्मी जो इच्छा है वो क्या चाहती है प्राप्त करना, अरे वो इच्छा तो जागृत हमारे मन में कि वो जो चाहते हैं कि ब्रज में रासलीला में प्रवेश करे, अभी तो कौन है ऐसा बताओ, तो रासलीला प्रवेश करने की चाहते हैं, शिव जी ने किया तो वो कर भी गए, वहां पर उनको मिला, लक्ष्मी अभी तक यहाँ पर अभी तक तपस्या कर रही है, इसका प्रमाण ये है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, हाँ तिरुमल भट्ट और वेंकट भट्ट के प्रबोधन सरस्वती घर में वहां पर चतुर्मासी काल में रुके थे, तो वहां पर दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण के ज्यादा से ज्यादा सब सेवक होते हैं, वहां सब लक्ष्मी नारायण के पास में है, वहां बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण के शेषाई और सब भगवान बड़े बड़े श्रीरंगम आदमी देखा कैसे भगवान सोए हुए शेष कैसे या लक्ष्मी चरण दबा रहे, नाभि से कमल निकला है ऊपर ब्रह्मा जी, ऐसे बड़े बड़े विग्रह इतने एक एक सौ सौ फुट लंबे विग्रह ऐसे हैं, तो वहां पर श्रीरंगम में वही सब महाप्रभु जिस समय गए 4 महीने रुके थे, तो वेंकट भट्ट आदि लक्ष्मी नारायण सेवा कर रहे हैं, तो महाप्रभु को मजाक मजे में कहा कि भाई तो महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण है, राधा भाव विभावित होकर के वहां गए हैं उनको तो, और गोपाल भट्ट को सब विशेष करके महाप्रभु के वो प्रिय परिकर है, तो उनके पिताजी देखते हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने कहा भाई आपकी लक्ष्मी तो बड़ी पतिव्रता है, महाप्रभु तो मजाक में बोले आपकी लक्ष्मी तो नारायण की पट्टरानी है पतिव्रता है, वो क्यों आपके नारायण को छोड़कर कृष्ण को क्यों मिलना चाहती है, वो तो बोले भड़क गए, बोला ऐसा तो है ही नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा, तो महाप्रभु कहा ऐसा तो भागवत में लिखा है, हम कहा कह रहे हैं कि भागवत में नागपत्नी ऐसी कह रही है कि विहाय कामान सर्वान आचिर धृतवता, अभी लक्ष्मी सब कुछ छोड़ के नारायण को वैकुंठ छोड़कर वृंदावन में आके बेलवन में आपकी तपस्या कर रही है,
सब कुछ विहाय कामान सर्वान सब कुछ छोड़कर वैकुंठ छोड़कर ताकि बेलवन में तपस्या कर रही है। महापुरुष श्लोक दिखाया बोले तुको यहाँ नाग पत्नी है इसमें, तो यहाँ बात तो ठीक है। तो महापुरुष धीरे धीरे उनको कहा देखो नारायण और कृष्ण इनमें कोई भेद नहीं, तत्वता कोई भेद नहीं, रसेन उत्कृष्ट कृष्ण किंतु रस की दृष्टि से कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अगर लक्ष्मी आपकी महापुरुष को उपहार देकर कह रही है आपकी लक्ष्मी अगर कृष्ण के मिलना चाहते इसमें कोई दोष नहीं है, नारायण और कृष्ण एक ही है किंतु रस की दृष्टि से कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए वो वृंदावन में रास में प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये हमको दिखाने के लिए कि लक्ष्मी की जो इच्छाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, वो रास में प्रवेश करना चाहती है, और हम लोग भी क्यों नहीं, अगर मिला नहीं मिला तो बात कम से कम इच्छा है तो हम लोग कितने लोगों की इतनी इच्छा है, कौन जानता है कि रास में प्रवेश करना चाहिए, और ब्राह्मणी है वो नहीं मिलेगा वो बात अलग है, किंतु लक्ष्मी जो चाहती है वो चाहना ही सर्वश्रेष्ठ है, वो जो मूल्य है उसका वो लौल्य है उसका, उसकी इच्छाएं हैं लौल्य मूल्य में एकलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से वो लौल्य जो है ये जो जानना भी हमको वृंदावन के रासलीला में प्रवेश करना है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों के तपस्या के फल से अभी हम लोग ऐसे गुरु वैष्णव का संग प्राप्त हुआ है, और अभी पता चल रहा है कि ये कुछ बात भी है, लोग तो इसको स्वीकार ही नहीं करते कि ऐसा भी कुछ होता है कि ब्रज में भी पर किया भाव है, वो तो जानते ही नहीं, वो साधारण यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के ऊपर उनको पूछो, बड़े बड़े संप्रदाय में जो उधर रामानुजादी संप्रदाय में वो लोग भी इसको स्वीकार नहीं करते कि इसके ऊपर भी कोई राधा लक्ष्मी नारायण के ऊपर भी कोई ब्रज में जाकर के राधा कृष्ण के विवाह में ऐसा भी कोई पर किया भाव होता है, वो सब उसको मानते स्वीकार नहीं करते, जगत में ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए महाप्रभु ने उनको इस हास्य परिहास में उनको दिखाया, और उनमें से प्रबंध सरस्वती तो आकर यहाँ पर भजन करने लगे, और वो भी कितना सुंदर नवदीप शतकम वृंदावन शतकम और क्या क्या लिखा, और गोपाल भट्ट गोस्वामी तो स्वयं इधर आए, वो यहाँ पर आके हमारे राधारमण को प्रकटित किया, और हमारे जितने ग्रंथ हैं कितना प्रकटित किया, इसलिए हमारे ये सब है लक्ष्मी निकट हम प्रार्थना करते हैं, जिसे कहा कि वो हमारे पर कृपा करें, उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण करें, हो सकते हैं उनके अनुगत में पूरी हो, हमको वृंदावन पहुंचा दे, रासलीला में प्रवेश करा दे, यही हम उनके निकट प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरु वेष्टि कृपा सिंधु देव च परितानं पावनि भ्यो जर जर उलुदीन सुनन, मुझे गुरु जी की बात याद आ गई, गुरु जी के जब से मठ गया तब से गुरु जी के साथ हूँ, इसलिए मैं शैतानी नहीं कर पाता था क्योंकि गुरु जी कानों में ठेंगे तमाशा देंगे, इसलिए मैं चुपचाप भला हरा बन के रहता, मन में शैतानी तो था ही खुदापति बुद्धि। एक बार हुआ क्या, गुरु जी पहले थे कह रहे थे ये कृष्ण जब महाप्रभु रूप में आए, महाप्रभु क्या करते थे, एक तरह के छोटा छोटा बीज जैसा काटा होता है ऐसे फेंक दो इसमें चिपक जाएगा बीची, तो ऐसे देखा ऐसे, तो महाप्रभु क्या करते थे लड़कियों को इसमें फेंक देते थे जब छोटे थे, बड़े हो के नहीं छोटे बचपन में, तो ऐसे दिखा दो ये है रास्ते मिलेगा देख लेना। तो मैं उस वक्त जो महाप्रभु के लीला में जो आते हैं ना भक्ति का इतने चंचल हो जाते हैं ना, गंभीर लोग भी चंचल बन जाते हैं, मैं भी देखा इधर आकर के, तो एक बार गुरु जी के सामने मैं क्या किया ऐसे दूसरे को दे दी, गुरु जी हंसने लगे मारा नहीं मुझे, फिर बाद में बताया गुरु जी ने बोले ऐसे महापुरुष करते थे, तू जो फेंका मैं देख, ऐसे लोग जो फेंका मैं देख, और मैं भी इन लोगों के पालन चंचल बन गया, मैं क्या तीन चार हिस्से के महाराज के चटी में दे दिया और उनके टोपी भी दे दिया, पहले देखे तो समझ में नहीं आया बाद में समझा। और मैं आप लोग कहता है तीर्थ करते हो जनता, यदि तीर्थ महाराज ना बोलें ताले तो तीर्थ पूरा होवे ना, एखन तो तीर्थ महाराज बोलते होवे, हम तीर्थ महाराज को अनुरोध कर छी कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। আপনারা এতক্ষণ ধরে লক্ষ্মী দেবীর অনেক মহিমা শ্রবণ করলেন, লক্ষ্মী দেবী বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী নারায়ণের অর্ধাঙ্গিনী, তাই তো, আর বৈকুণ্ঠের যত বৈভব
সব কে প্রকাশ করলেন? লক্ষ্মী দেবী। আর সবকিছু সাজিয়েছেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ব্রজভূমি আরো শ্রেষ্ঠ। কেন? শ্রীকান্তা কান্ত পরম পুরুষ কল্পতরব দ্রুমা ভূমি চিন্তামণি বলে বৈকুণ্ঠের সম্পদ হলো চিন্তামণি, আর ব্রজে ধুলিকণা হলো চিন্তামণি। সব ধুলিকণা, সব চিন্তামণি, কত চিন্তামণি অসংখ্য, বলে তার কোনো গিনতি। তাহলে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও কত বৈভব এই ব্রজভূমি। আবার কল্পতরব দ্রুমা, যত বৃক্ষ আছে সব কল্প বৃক্ষ, কিন্তু আমরা বাইরে জগতে লৌকিক ভাবে ভৌতিক রূপে এমনি সাধারণ বৃক্ষ রূপে দেখি, কিন্তু এরা যে সব কল্প বৃক্ষ আর কল্পলতা, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে করতে সমর্থ। তো এই জন্য এরা সাধারণ তো নয়। ব্রজে যে অতুল বৈভব, অতুল ঐশ্বর্য ধুলি কণায় পড়ে আছে। তো লক্ষ্মী দেবী কি করেন? বৈকুণ্ঠে যতটুকু সেবা করেন, তার থেকে আরো অনেক অধিক অধিক ভাবে কোটি কোটি গুণে লক্ষ্মী দেবী সেবা করেন। কেমন? লক্ষ্মী শত সহস্র সম্ভ্রম সেব্যমান, লক্ষ্মী দেবী সেগুলো প্রকারে, শত শত প্রকারে, সহস্র সহস্র প্রকারে সম্ভ্রমের সহিত সেবা করছেন বলে কোথায়? এই ব্রজভূমিতে। যখন থেকে ভগবান কৃষ্ণ প্রকট হলেন, এই ধরাধামে আসলেন, সেই ধরাধাম কি হলো? রমা কিরণ অভুন নৃপ। হে রাজন, লক্ষ্মী দেবীর ক্রীড়াস্থলী হয়ে গেল। ফল ফুল, কেবল ফল ফুল পাতায় নয়, ধন রত্ন বৈভব সব কিছু দিয়ে পরিপূর্ণ বলে তার যে কোনো সীমাই নেই। এইভাবে লক্ষ্মী দেবী প্রচুর পরিমাণে সেবা করছে। আরো ভাগবতে বলছেন কি, রমা আনন আভাম, বললেন কৃষ্ণ কি দেখলেন? রমার মুখমণ্ডল খানি দেখলেন, বলে রমা মানে লক্ষ্মী, আবার রমা মানে মহালক্ষ্মী। তাহলে লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী হলেন মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মী তিনি কে? স্বয়ং রাধারানী। আর রাধারানীরই প্রকাশ হলেন লক্ষ্মী দেবী। আবার উদ্ধব মহাশয় বলছেন কি, নায়ং শ্রিয় অঙ্গ যৌ নিতান্ত রতে প্রসাদ শ্রী শ্রিয় শ্রিয়। বললেন বহু বচনে, এক দুইজন লক্ষ্মী নয়, এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনন্ত লক্ষ্মী, বিষ্ণুর অনন্ত রূপ, অনন্ত প্রকাশ। আর যত বিষ্ণু তত্ত্ব, যত ভগবানের প্রকাশ, সমস্ত প্রকাশের শক্তিকে বলা হয় লক্ষ্মী, প্রত্যেকেই তাহারা লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মীগণ কেউ রাসের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নাই, অথচ ব্রজভূমিতে এত পরিমাণে তারা সেবা করছে। শ্রয়ত ইন্দিরা সস্য দত্রহি, যেখানে ইন্দিরা লক্ষ্মী দেবী সস্য নিত্যকাল রাধা গোবিন্দের সেবা করছে, এই গোবিন্দের সেবায় প্রস্তুত হয়ে সব প্রকারের সেবা করছে, সমস্ত বৈভব সম্পত্তি ধন দৌলত সব কিছু দিক দিয়ে লক্ষ্মী দেবী সেবা করছে। আর তারই ইচ্ছা বিলাসা যে রাসের মধ্যে প্রবেশ করবেন। কৃষ্ণ ওই গোবর থাপড়ানো বালিগুলোকেই নিলেন, আর এই লক্ষ্মীর মতো সুন্দরীগণকে নিলেন না কেন?
এখন ওই গোবর ধাপটা নামে এগুলোই গেল রাসের মধ্যে নাচতে, আর এরা কেউ যেতে পারলো না। লক্ষ্মীরা বলে কেন, বলে লক্ষ্মী কেন, স্বর্গে সুর সুন্দরী গণ যায় নাই, কমলগন্ধি সুগন্ধবালী স্ত্রীরা মেয়েরাও কেউ যেতে পারলো না। কৃষ্ণ কাউকে অঙ্গীকার করে কেন না, ব্রজেতে কৃষ্ণ একটা নিয়ম করেছে, সেই নিয়মটা কি, যে তিনি রাধারানীর মহাভাব রসকে আস্বাদন করেন। এখন মহাভাব রসটা কার, রাধারানী তার নিজের, এখন সেই ভাবকে তিনি আস্বাদন করেন। তিনি সর্বত্র খুঁজে বেড়ান যে কার মধ্যে আছে। যখন শতকোটি ব্রজগোপী কৃষ্ণের সেবা করবার জন্য উন্মুখ, সবাই উতাবলি হয়ে পাগল হয়ে বসে আছে যে কৃষ্ণের সেবা করব, কৃষ্ণ আমাদের অঙ্গীকার করবেন। কৃষ্ণ কথা দিয়েও নিতে পারছেন না, অঙ্গীকার করতে পারছেন না। এক বছরে বীর রস দেখাইলেন, গিরিরাজ উঠাইলেন, যাই হোক সময় টালিয়ে দিলেন, পার করাইলেন। কিন্তু এখন পার করালেও কি হবে, গোপীগণকে তো অঙ্গীকার করতে হবে। সেই জন্য অঙ্গীকার করতে গিয়ে যোগ মায়া মুপাসিতা, তিনি এখন যোগ মায়াকে আশ্রয় করলেন। সে যোগ মায়াকে বলে কৃষ্ণেন সহ যোগায় ইতি যোগ মায়া, যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে সংযোগ করান তিনি হলেন যোগ মায়া। বলে সেই যোগ মায়াকে বলে রাধারানী। কৃষ্ণ দেখলেন যদি রাধারানীর ভাব এরা গ্রহণ করতে পারে তাহলে আমার সেবা করতে পারবে, আর যদি এই ভাবের মধ্যে না আসে কি করে সেবা করবে। কেউ যদি বলে বাড়িতে এসে কাজকর্ম করবে তো সবাইকে কাজ দেওয়া যাবে কিনা, সেই মেয়েটা সে এখন মনের অনুকূল কাজ করবে কি করবে না, না উৎপটাং করবে, সেটাও তো সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে বিচার করে দেখে তারপরে তাকে কাজে লাগিয়ে নেয়। যদি সে অনুকূল হয় তার, প্রতিকূল হলে তার হবেই না। তদ্রূপ ভাবে কৃষ্ণ দেখছেন যদি রাধারানীর অনুগত হয় এরা সেই ভাবের দ্বারা বিভাবিত হয় তাহলে এদের কিছু সেবা গ্রহণ করা যাবে, আর তা না হলে ওই রান্না করতে গিয়ে কোনোটাই লবণ নাই আর কোনোটাই লবণ পুড়া আর কোনো সবজি পুড়িয়ে দিল, বলে এই করে বলে নাও খেতে খেতে বসো খাও, তো ওই খেতে দিলে কি আর পেট ভরবে না খাবে, খাবি তো খা না খাবি তো উঠে যা। হ্যাঁ, তো ওই রকম সেবা করলে কি আর হবে, একটু মনের মতো তো সেবা করবে। তো সেই জন্য কৃষ্ণ দেখলেন যদি এরা রাধারানীর অনুগত হয় আর সেইভাবে বিবাহিত হয়ে মিলেমিশে করে তাহলে একটু গ্রহণ করা যাবে, তা না হলে হবেই না, যে যা পারে এমনি এমনি ভাবে করে, তাই না। তো এখন এই অবস্থা সেই দেখেই এখন কৃষ্ণ তাই প্রত্যেককে রাধারানীর আনুগত্যটা করাইলেন। যখন তাদের মধ্যে ওই আনুগত্য ভাব আসলো আর যখন রাধার ভাবের দ্বারা তাদের হৃদয়ের মধ্যে ওই ভাব সঞ্চারিত হলো, সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ হাত ধরে তুলে নিয়ে তাদের সঙ্গে রাস নৃত্য করতে লাগলেন। তাহলে লক্ষ্মী দেবী পারত না, লক্ষ্মী দেবী যে পাচ্ছে না কোনো মতে রাধারানী আনুগত্য করবে কিনা, সে তো করে নাই। ঐশ্বর্য ভাবে লক্ষ্মী করিলা ভজন, ঐশ্বর্য ভাবের দ্বারা যে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। ব্রজভক্তি করতে গেলে একটা মাধুর্য ভাব আর একটা হলো ঐশ্বর্য ভাব। ঐশ্বর্য ভাবের দ্বারা সমস্ত ভক্তগণ সব ভক্তি করে থাকে। ব্রজের থেকে আপনি যখন মথুরায় চলে গেলেন ওইখান থেকে ঐশ্বর্য আরম্ভ হয়ে গেল, দ্বারকায় ঐশ্বর্য, বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য, ওই রকম ভাবে জগতে যা কিছু আছে যত ভক্ত দেখবেন সব ঐশ্বর্য ভাব নিয়ে পড়ে আছে। ব্রহ্মা শিব আদির থেকে আরম্ভ করে ঋষি মুনি সবাই ঐশ্বর্য ভাব নিয়ে ভগবানের ভজন করে। সেই জন্য তারা কেউ ব্রজেতে প্রবেশ করতে পারে না,
আর ব্রজভাবের মধ্যে তাদের অধিকার হচ্ছে না। যখন কোনো ব্যক্তি এই ব্রজগোপীগণে ব্রজবাসীগণে ব্রজভাবেতে অনুগত হয় তখন তাদের মধ্যে সেই মাধুর্য ভাবটা আসে, আর সেই মাধুর্য ভাবের দ্বারা যে কৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত হয় প্রসন্ন হয়। যার জন্য রাধারানী মান কেন করলেন, সব গোপীরা কৃষ্ণের সেবা করতে যাচ্ছে, কৃষ্ণকে আনন্দ দিচ্ছে, রাধারানী মান করে বেঁকে বসলেন। বললেন কেন, তাহলে কি তার ঈর্ষা হিংসা জেগে উঠলো? বলে না, তার হিংসা ঈর্ষা হিংসা নয়, একজনের মধ্যে নিষ্কাম ভাব আর সকলে সকাম ভাব নিয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, আমি কৃষ্ণকে পেয়েছি, আমি কত আনন্দিত, কৃষ্ণ আমার পতিদেব, তিনি আমার প্রিয়তম, এইভাবে তারা নিজেদের আনন্দে ভরপুর, তারা কৃষ্ণের আনন্দটুকু দেখছে না। কৃষ্ণ কি সে প্রসন্ন হবে খুশি হবে সেই চিন্তা ভাবনাটা তাদের নাই, তো নিজে নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত, তাই না? একটা মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় বিয়ের আগে মেয়েগুলো সব শুকনো, সে কাঠপাঠির মতো, পাটকাঠির মতো, হ্যাঁ শুকনো শুকনো মেয়েগুলো শুকিয়ে আছে, আর যখনই বিয়ে হলো দেখা গেল বিয়ের পরে যৌবনের জল মানে যেন জোয়ারের মতো উঠছে, মুখ ফুলে গেল, হেতু শরীর চেহারা দেখো কি গোলগাল। বলে ভাই বিয়ের জল পড়ে গেছে, তখন আনন্দে ভরপুর, কিন্তু ওই যে আনন্দে ভরপুর হলো ঠিক আছে ভাই, ভালো সংসার জীবনে কোনো চিন্তা নাই, এখন ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পেয়ে আনন্দে ফুলাম ফুলে উঠল, তো ওই আনন্দটা কি কৃষ্ণের আনন্দ না নিজেদের আনন্দ হলো? নিজেদের আনন্দ নিজেদের সুখটা নিয়ে তো কৃষ্ণ সেবা গোবিন্দের সেবা হবে না। এই জন্য রাধারানী মান করে বেঁকে বসলেন, আবার কৃষ্ণ মানাইলেন, তারপরে ঠিক যখন সবাই রাধারানীর ভাবটা নিল, আরে নিষ্কাম ভাবটা দেখো, নিজেদের আনন্দটা নয় নিজেদের সকাম ভাবটা, সকাম ভাবের দ্বারা যে পাওয়া যাবে না। লক্ষ্মী দেবী ভজন করছে, কৃষ্ণের ভজন করছে, ভক্তি করছে, কিন্তু যতদিন নিজের সুখের অভিলাষা ত্যাগ না করে গোবিন্দ সেবার জন্য সমর্পিত না হয় ততদিন যে হয় না। এই জন্য ঐশ্বর্য ভাব এইগুলিকে ছেড়ে কৃষ্ণের ভজন করতে হবে মাধুর্য ভাবের দ্বারা। এই জন্য ব্রজভক্তি ব্রজভাব মাধুর্য ভাব, সেই মাধুর্য ভাবের দ্বারা তারা সবাই পেয়ে গেল, কিন্তু লক্ষ্মী দেবী আর যে বড় বড় ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ তারা যে পাচ্ছে না, বড় বড় যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ সেই ঐশ্বর্য ভাব নিয়ে পড়ে রইল, একদিকে ঐশ্বর্য ভাব অপরদিকে মাধুর্য ভাব, সেই মাধুর্য ভাবের দ্বারাই যে তাহাকে পাওয়া যাবে এইটি হচ্ছে বিশেষত্ব, এইটি বলতে চাচ্ছে। তা না হলে লক্ষ্মী দেবী যে প্রচুর পরিমাণে সেবা করে, সেবার কোনো ত্রুটি নাই, বিচ্যুতি নাই, কোনো কম নাই, যে এত পরিমাণে সেবা করে যে বৈকুণ্ঠে নাই, এত সেবা করছে, তথাপি লক্ষ্মী দেবী পাচ্ছে না, কেন? একটা ঐশ্বর্য ভাবের জন্য, ঐশ্বর্য ভাব ছেড়ে যখন মাধুর্য ভাবে ডুবতে পারে তখনই সম্ভব হয়। তো আমরা সেই লক্ষ্মী দেবীর নিকটে এসেছি, বেলবনে এসেছি, কৃষ্ণ এইখানে এসেছিলেন, এসে লক্ষ্মী দেবীকে বলছেন, লক্ষ্মী তুমি ঐশ্বর্য ভাবটুকু ছাড়ো, একটা মেয়ে যদি খুব ঠাটবাট সেজে গুজে খুব অলংকার পরে আর নিজেকে ফ্যাশন দেখিয়ে স্বামীর কাছে পৌঁছে গেল, তো এখন কি করবে? স্বামী এখন তাকে তার গলায় জড়াবে কি জড়াবে না, মিলবে কি মিলবে না, সে যে অহংকার অভিমান ঠাটবাট নিয়ে ঐশ্বর্য দেখাচ্ছে, সামান্য সামান্য ভাবের মধ্যে আসলে তবে তো পরস্পরের প্রীতি ভালোবাসাটুকু জাগবে, প্রেম প্রীতি জাগবে, তা না হলে হয় না। ওই জন্য কৃষ্ণ বললেন কি, আমিও মাধুর্য ভাবে এসেছি, তুমিও ওইভাবে এসো, তবে যে তুমি আমাকে পাবে।
এই পর্যন্ত রাখছি। গৌর ব্রহ্মানন্দে শ্রীধর মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ। হরে কৃষ্ণ বলে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। আমল গুরু বৈষ্ণবকে আনুগত্যে মে কোথায় উঠে যাচ্ছেন? এখনো বাংলায় হরি কথা আমি বলবো, পরে সকলে শেষে, এখন বসুন। হরে কৃষ্ণ হরি বোল। হামল গুরু বৈষ্ণবকে আনুগত্যে মে অভি জিস স্থান পর আয়ে হ্যাঁ, আপ লোক নে শ্রবণ কিয়া, ইসকা নাম বেলবন বা শ্রীবন হ্যাঁ, বেলবন বা শ্রীবন হ্যাঁ। इसलिए अब लोग विभिन्न वक्ताओं के मुखारविंद से विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न अच्छी अच्छी बात सुने हैं। और रामचंद्र प्रभु से एक बहुत बढ़िया जोकिंग किया है, बहुत कहां थे रामचंद्र महाराज। इसलिए देखो मैं भी एक जोकिंग बोल देता हूं। एक समय देखना, जब एक व्यक्ति शरीर छूटता है, चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं और राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य करते करते ले जाते हैं, और उसको पीछे भी सब लोग राम नाम सत्य बोलते हैं। इतने में कृष्ण ने कहा, देखा लक्ष्मी किसका नाम ले रहे हैं? राम नाम सत्य है और गोपाल तेरा नाम कौन ले रहा है? लक्ष्मी का नाम कोई ले रहे हैं? हैं? और सबको ही बात झूठा है। लक्ष्मी ने कहा, अभी अभी देखोगे, आपको दिखाओ ये कितने राम नाम कृष्ण नाम सत्य कह रहे। बोले क्या दिखाओ? बोले दिखाओ। इतने में माँ लक्ष्मी 2000 जो रुपया ना नोट के गड्डी गड्डी लक्ष्मी ने फेंकना शुरू किया, और जो राम नाम सत्य कर रहे थे ना छोड़ दिया, पैसा उठाना सबके सब शुरू कर दिया, राम नाम गोपाल नाम सबके सब छोड़ दिए। इतने में उसने इतने पैसा लुटाना लग गए, इतने इतने पैसा लुटा जो कंधे पर ले जा रहे थे चार व्यक्ति, उसने देखा भैया ये सबके से लुटने लगे, हमें ही लुटने लगे। वो जो मरा शरीर था उसको झट नीचे रख दिया, नीचे रख कर वो भी क्या किया, वो भी पैसा लुटना शुरू कर दिया। लक्ष्मी ने देखा, देखा किसका नाम सत्य है? तब तक ये राम नाम सत्य कर रहे थे जब तक उनकी 200 रुपया की नोट नहीं मिल रहा था। देखा सबके सब किसना तुम्हारा नाम छोड़ कर के इसका नाम सत्य बोलने लग गए, लक्ष्मी का नाम सत्य है। इसलिए भैया लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए एक बार तीर्थ महाराज बहुत अच्छी बात बताए थे। एक समय लक्ष्मी बिगड़ गई कृष्ण के ऊपर में, है कृष्ण के ऊपर में, श्री बलदेव प्रभु के ऊपर में। बलदेव प्रभु ने कहा, देखा बोले देखो तुम्हारा लक्ष्मी कोई जात पात कुछ नहीं, ए बांगली मायरा जात पात कुछ नहीं है, सबको घर में चली जाती है, सबको घर में। इसलिए खबरदारी लक्ष्मी को घुसने मत दिया करो। लक्ष्मी कभी इतने नाराज हो गए, कृष्ण बलराम को भी दर दर भटकना पड़ा, उनको उनको भूखा नहीं, 12 साल तक भूखे रहना पड़ा, बिना खाए पिए इतने दुर्गति भोगना पड़ा, किसको? कृष्ण और बलराम को। बाद में जाकर के लक्ष्मी की शरण उनको लेना ही पड़ा। और यहाँ पर तो मूल लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी मूल लक्ष्मी है। इसलिए जब तक राधा रानी का कृपा नहीं होना तब तक भी श्याम सुंदर का है, तब तक भी उनकी डाल नहीं गलती है। यहाँ पर भी श्याम सुंदर राधा जी के चरण की सेवा को प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये लक्ष्मी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। कहती है लक्ष्मी क्यों तपस्या करती हैं? आप लोगों ने श्रवण किया था जिस समय श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए, जिस समय वेंकट भट्ट को साथ में उनको अब जो श्रवण कर रहे थे, उसने बोले मेरा प्रभु तो ग्वाला है, महाप्रभु बोले और तुम्हारी प्रभु तो कहाँ वैकुंठाधिपति है, माँ लक्ष्मी जिनकी सबसे बड़ा सेवक है, हमने सुना तुम्हारी लक्ष्मी हमारी ग्वाला को पीछे पीछे भागते हैं, ग्वालिया को पाने के लिए चेष्टा करते हैं। बोले कहाँ पड़े? हाँ वेंकट भट्ट बोले कहाँ पड़े? बोले भागवत में। बोले कहाँ पर? अभी प्रमाण दे रहे थे ना, तब उन्होंने 3-3 श्लोकों को उन्होंने उठा करके प्रमाणित दिया। इसका तात्पर्य यह है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जाहो भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुद्धि में तुम्हें सिद्धांत करेंगे। अगर किसी ने भागवत का भक्ति रस में प्रवेश करना चाहते हैं, जब तक कि भक्तों का अनुगत्य, बोले कौन सा भक्तों का अनुगत्य? बोले चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग, चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का संग करना पड़ेगा, नहीं तो भागवत समझना इतने आसानी बात नहीं। इसलिए प्रभुपाद भागवत का जो प्रथम श्लोक है जन्मादस्य जतः, इसको श्री हमारे श्री बल्लभाचार्य जो कृष्ण पर भक्त है, केवल उन्होंने जन्मादस्य जतः सत्यम परम धीमहि, केवल उन्होंने कृष्ण को ही प्रतिपादन किया।
लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती उसी श्लोक को जब उन्होंने लगाया, उन्होंने किस रूप में बोले, सत्यंग परम धीमही। ये जो परम शब्द है, परम पराचेति परम देवी कृष्णमयी प्रकट राधिका परा देवता, उन्होंने राधा रानी में जन्मादस्य जतः जिससे आदि रस का सृष्टि होता है कौन, बोले श्री किशोर जी श्री राधा रानी में उन्होंने स्थापन किया है। लेकिन इसी श्लोक को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इसी श्लोक को उन्होंने व्याख्या करते हैं, बोले सत्यम परम धीमही बोलकर किसको स्थापन करते हैं, वो कहते हैं राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु में ही जन्मादस्य जतः जिनसे आदि रस की प्रकट होता है, महाप्रभु कौन है, रसराज महाभाव रूप श्री, श्री कौन रसराज महाभाव रूप कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जब तक भक्तों की महाप्रभु की भक्तों के अनुगत्य में जब तक हम शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे ना भैया, तब तक शास्त्र का सिद्धांत को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए महाप्रभु जब उन्होंने बताया इस श्लोक को उठा करके, बोले भैया कारण क्या है, क्यों ये लक्ष्मी चाहती हैं, कृष्ण के संग को क्यों चाहती हो, तो वैकुंठ में रहने वाली महा ऐश्वर्य में। तो महाप्रभु ने कहा कारण बताए, कृष्ण के अंदर में विशेष करके चार गुण हैं जो और किसी को अंदर में नहीं, नारायण के अंदर में 60 ही गुण हैं। बोले ये चार गुण क्या है, बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मानस आकर्षी चरम। उन्होंने जब बताए कृष्ण की जो लीला माधुर्य है, कृष्ण का जो वेणु माधुर्य, कृष्ण का जो प्रेम माधुर्य, अब विशेष करके कृष्ण का जो रूप माधुर्य है अद्भुत है, त्रिजगत अर्थात त्रिजगत मानस आकर्षी, जिनका रूप इतने सुंदर रूप कृष्ण की, इतने सुंदर रूप कृष्ण की, अद्भुत रूप कृष्ण की, जिस रूप को देख करके कहते लक्ष्मी भी यहाँ पर बैठ कर तपस्या कर रही है। कहते लक्ष्मी की बात छोड़ दो, नारायण जब कृष्ण की माधुरता सुनते हैं, द्वारका में बच्चों को चोरी करना उन्होंने शुरू कर दिया, बोले नारायण की बात छोड़ दो, कृष्ण और माधुर्य देखी वासुदेव को, वही कृष्ण जब वसुदेव नंदन जब ब्रजेंद्र नंदन की कथा सुनते हैं इनकी मन में खोब हो जाता है। कृष्ण माधुर जब इनकी बात छोड़ दो, कृष्ण इतने सुंदर है, ब्रज का कृष्ण जब अपना रूप को उन्होंने मणि स्तंभ में प्रतिबिंब होते हुए देखते हैं, कहते अपर कलित पूर्वम कश्च मत कारकर, ये कौन है इतने सुंदर, ये अलबेलसा रूप कौन है। कृष्ण स्वयं कहते काम है राधिके व कम में राधा रानी का रूप लेकर के कम में ये स्वरूप का आलिंगन करूं। इसलिए कलि युग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अंगकांति लेकर के श्री सचिनंदन श्री गौर हरि रूप में आते हैं, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब उन्होंने कृष्ण की माधुर्य की भाव उन्होंने बताई, हमारे वेंकट भट्ट तो सुन सुन के दंग रह गया, भैया मैंने तो पढ़ा था ये सब चीज तो मेरे को मिली ही नहीं, हाँ ये सब चीज तो मिली ही नहीं हमें, इसलिए ये अद्भुत। इसलिए माँ लक्ष्मी, इसलिए अभी तीर्थ महाराज बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, इसलिए जो रति तीन तरह का रति है, लक्ष्मी क्यों यहाँ तपस्या कर रही है, कारण क्या है, बोले कारण है, बोले तीन तरह का रति है, एक है साधारण रति, एक है सामंजस्य रति और एक है समर्था रति है। बोले कुब्जा की जो रति है कृष्ण का प्रति, कहती है साधारण रति, बस कृष्ण को पाते ही पकड़ कर चलो मेरे घर में ले चलो, इसलिए नहीं कि साधारण रति। सामंजस्य रति महिषियों का सामंजस्य रति, वो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं, उसको साथ में बच्चे भी है परिवार है। लेकिन जो गोपियों का जो प्रेम है ना, कहती है समर्था रति। समर्था रति मतलब क्या, ये कृष्ण शिवाय और किसी को उन्होंने अपना मन प्राण नहीं दिए। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते, उद्धव जो गोपियां है ना मन मनमस्का, ये अपना मन को मेरे को छोड़ करके और किसी को उन्होंने नहीं दिया। इसलिए कृष्ण जहाँ पर रासों में कहते हैं, हे ब्रज गोपियां, ब्रह्मा जैसे मैं परमायु लेकर के भी तुम्हारी ऋणी को मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने जो मेरे को प्रेम किया सारा दुनिया को छोड़ करके, केवल एक पॉइंट रूप में केवल तुम लोगों ने मेरे को प्रेम किया और किसी को तुम लोगों ने प्रेम किया ही नहीं। इसलिए माँ लक्ष्मी यहाँ पर बैठ करके देखो, गुरुदेव कहते थे कृष्ण जिस समय पैठा में चतुर्भुज को धारण किया है, चतुर्भुज को उन्होंने धारण किया, उसी समय में गोपियां तो आई, लेकिन आ करके उन्होंने चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हुए उनको प्रीति नहीं हुई,
उन्होंने पूछे हमारे श्याम सुंदर हो कहीं देखे हो, हमारे श्याम सुंदर कहीं हो, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी गुरुदेव कहते लक्ष्मी, लेकिन जब कृष्ण की माधुर्य की सौंदर्य तक श्रवण की कहते बिहाय कमान सुचिर धृत व्रता, उनने सारे वैकुंठ के सुख को छोड़ करके कठोर तपस्या कर रही है। अभी हमारे महावीर महाराज के प्रश्न कर रहे थे ना, कहते भाई जीविका के स्थाई भाव होता है एक स्थाई भाव, फिर ये लक्ष्मी फिर क्यों फिर वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पर क्यों तपस्या कर रही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी तक भी लक्ष्मी, विश्वनाथ चक्रवर्ती डायरी कह रहे हैं अभी तक भी लक्ष्मी इन्होंने कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाए, अभी भी यहाँ बैठ करके अभी भी वही तपस्या कर ही रहे हैं। और एक स्वरूप में यहाँ पर तो राधा जी कहते ना उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सवे आमनाय वाणी, ये लक्ष्मी सब कौन है, ये राधा रानी के एक तरह का प्रकाश है, राधा रानी का एक तरह का ये कायव व्यू है, ये विभिन्न रूप में कृष्ण सेवा करती है। अगर इनकी मन में कृष्ण संग की लालसा भी हो ना उसमें कोई दोष है नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इसमें एक है इसलिए ये तो करते, लेकिन ब्रज के कोई भी व्यक्ति जैसे गोपियां राधा रानी इन लोगों ने कभी राणा नारायण स्वरूप देख करके भी इनकी मन में कभी भी वो सेवा पाने की इच्छा नहीं होती, क्यों ये सबके सब परिपूर्ण है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर किसको ब्रज भक्ति पाने की इच्छा है, किसको रागानुगा भक्ति प्राप्त करने का इच्छा है क्या करनी चाहिए, वो कहते हैं कथा मुक्ति व्याघ्रा कील सर्वात्म गिलिनी, खबरदार कभी मुक्ति की बात मत सुना और क्या है लक्ष्मी लक्ष्मी भैया लक्ष्मी का तरफ में मत जाया करो, लक्ष्मी के तरफ में जाओगे ना नारायण लक्ष्मी अगर कथा सुनो फिर वो तुम्हें खेच करके कहा ले जाएगी, तुम्हें ले जाएगी वैकुंठ ले जाएगी, खबरदार उस तरफ में कभी जाना नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राग वर्त चंद्रिका ग्रंथ में अद्भुत ये ग्रंथों को सबको पढ़नी चाहिए, राग वर्त में चंद्रिका हम लोग जिस धारा में आए हैं वो धारा की कितने महत्व है, भाव साबल्य भाव विरुद्ध भाव अविरुद्ध और भाव भाव भावमय, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अद्भुत रूप में इसलिए हमें किसके संग करनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं सजातीय आशय सिद्ध साधु संग सतवरे, भैया साधु सावधान ऐसे नहीं कोई कथा बोल रही है वृंदावन में भागो उसको पीछे भागो, कुछ लोग ऐसे सब जगह में ना मुंह मारने का उनकी स्वभाव है, यहाँ मुंह मारो वहां मुंह मारो वहां मुंह मारो, वहां थोड़ी भी चली जाए वहां भी थोड़ी चली जाए, यहाँ किया नहीं भैया मुंह मत मारा करो, मुंह नहीं मारनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी मना करते हैं, चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं बोले खबरदार ये कान रूपी दोना, ये दोना है ना किसने दोना बनाया, बोले कृष्ण रस को पान करने के लिए दोना बनाया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कान रूपी दोना सबको मत दिया करो, मना कर जिसका संबंध ज्ञान नहीं है ना उसको मत दिया करो, जिसको तिसको पास में जाओगे सुन करके तुम्हारी जो राग भक्ति है। श्री राधा रानी ने क्या की, कोई एक साधु था उसने कभी इच्छा हुई राधा कुंड में भजन करते थे, कभी इच्छा हुआ थोड़ा द्वारका घूम करके आए, अभी बोले भैया द्वारका जरूरत नहीं पड़ रहा है भजन कर रहा हूँ, किसी ब्रजवासी बोले चलो कोई द्वारका जाना चाहता हूँ खर्चा पानी की कोई चिंता मत करो मैं सारे खर्चा पानी दूंगा, बोले कभी तो इच्छा हुई थी बोले चलो, बोले जरूरत नहीं बोले चिंता मत करो मेरा कोई संगी नहीं पैसा खर्चा दूंगा, बोले चलो गए वैकुंठ गए द्वारका गए और वहां पर छाप लगा करके आ गए, लगा करके जब राधा कुंड में भजन करने के लिए आए ना पहले जो मस्ती आती थी आनंद आती थी उनका मन और भजन में नहीं लग रहा है, राधा रानी के चरण की चिंता नहीं हो रहा है, इतने में बोले हे राधे आप क्यों चिंतन में नहीं आ रहे हो छटपट करना लगे, इतने में आकाशवाणी हुई इसी जीवन में और मेरा दर्शन प्रेम तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हें मिलेगी नहीं, बोले जब राधा जी क्यों तुमने छाप लगा करके आ गया मेरे चरण में क्या कमी थी, तो उन्होंने वहीं पर बैठ करके शरीर से जोगाग्नि को द्वारा उन्होंने अपना शरीर को त्याग किया, साधु सावधान इधर उधर मत जाया करो गौड़ीय वैष्णव का संग छोड़ करके ना, और हमारे जो गुरुदेव भक्ति वेदा नारायण गोस्वामी महाराज इन्होंने अभी हमारे किए माधव महाराज बोल रहे थे ना हमारे संप्रदाय में जितने अच्छी कथाएं जितने सिद्धांत रसयुक्त तो कही देखना सारे वक्ता अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही बात कोई बोले ही नहीं, सबके सब अलग अलग बात कहां से मिले, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की इनसे ही मिले।
इसलिए इधर उधर भैया मुंह मत मार करो, हमारे गुरुदेव ने जो देख रहे गया हमारे साधुओं को, इनके शरण में रहो, भजन करो, इससे ही सब कुछ तुम्हें मिलेगा। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। हाँ देखो, हाँ मत बागाली मायरा और सब लोग रहा, ये गेट गेट में ना गेट में 10-10 रुपया ज्यादा दे सकते हो तो ब्रह्मचारी सन्यासी की अच्छी बात है, लेकिन 10 रुपया से कोई कम नहीं देना वहाँ पर। 10 टका दे कोई कम तुम ना फांकी मारते चेष्टा करोगे ना, कहना नौका वाला का ना दिले ना तुम्हारे परिक्रमा सब वृथा हो जाए। सवाई हरि कथा बसु।